एवरीवन, वेलकम टू होली टेस्टी किचन। आज हम लेकर आए हैं नवरात्र स्पेशल हंकड़ से बना हुआ फ्रूट क्रीम। फ्रूट क्रीम जैसा टेस्ट आएगा आपको, हंकड़ से बनाएंगे। तो ये देखिए, मैंने फ्रिज में बहुत देर पहले, 2-3 घंटे पहले, ये कर्ड जो है ऐसे करके रख लिया था, जिससे उसका पानी नीचे निकल गया है और ये कर्ड है। तो आपको कपड़े में भी करने की जरूरत नहीं है। जितना मैं यूज करूंगी उतना आपको दिखाती हूँ। हनी लिया है मैंने, एक बनाना को कट कर लिया है, अंगूर है 1/2 कप, बीच में से स्लाइस कर लिया है, ब्लैक अंगूर है और एप्पल है। आप जो भी चाहें फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हम कर्ड को भी इसमें बाउल में निकालेंगे। ये बड़ा स्मूथ हो जाती है, तो जितना आपको बनाना है ना उतना आप यूज कीजिए। मैं इधर 1/2 कप के करीब ले रही हूं। इसको हमें हनी डालना है इसमें, 1/2 कप से 1 कप, जो भी आप बनाना चाहें। 1 टीस्पून हम डालेंगे इसमें हनी और इसको मिक्स करेंगे, स्मूथ करेंगे इसको। और ये देखिए, ऐसे हमने ना इसको स्मूथ कर लिया है कर्ड को, विस्कर की मदद से हम इसको स्मूथ कर लेंगे। और शहद से ना इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है। अब हम डालेंगे इसमें फ्रूट्स। और ये देखिए, मैं आपको पास से दिखाऊं, इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का हो गया है। आप देख रहे हैं ना कितना थिक और स्मूथ है। अब हम डाल देंगे इसमें फ्रूट्स, कुछ गार्निश करने के लिए रखेंगे और कुछ हम इसमें मिक्स करेंगे। और यकीन मानिए, ये हेल्दी फ्रूट क्रीम आपको बहुत पसंद आने वाली है। इसको करेंगे अब हम अच्छे से मिक्स। देखिए कितना अच्छा इसका टेक्सचर आया है। और हमने 2 टीस्पून इसमें हनी डाला है। तो आप अपना देख के कैसा आपको मीठा चाहिए वैसे आप कर सकते हैं। ये देखिए है ना, बहुत बढ़िया तैयार। तो आइए करते हैं इसकी प्लेटिंग। ये देखिए कितनी यम्मी लग रही है। यकीन मानिए, ये हेल्दी वर्जन आपको बहुत पसंद आने वाला है। इस पर हम थोड़ा थोड़ा ये गार्निश कर देंगे फ्रूट्स की। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सके। ऊपर से हम थोड़ा सा डालेंगे पिस्ता, पहले थोड़ा सा एप्पल से गार्निश करेंगे। फ्रूट आप जो चाहें वो डाल सकते हैं, जो नहीं पसंद है वो स्किप कर सकते हैं। मुझे लगता है व्रत में ना इससे हेल्दी ऑप्शन कुछ नहीं है। पिस्ता, बादाम, जिससे भी आप गार्निश करना चाहें गार्निश कीजिए, एंजॉय कीजिए। अगर रेसिपी पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।